डीएमजी कृष्णनया हत्या मामले में सजा काट रहे बाहुबली नेता व पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उनके समर्थक वर्षों से आंदोलित हैं। वहीं बुजुर्ग मां सहित उनके परिवार वाले भी उनकी रिहाई को ले आस लगाए बैठे हैं। जबकि आज सज्जा का वर्ष भी पूरा हो चुका है। पूर्व सांसद की 97 वर्षीय मां गीता देवी ने बताया कि वर्षों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शादी कार्यक्रम में शिकायत करने उनके गांव आए थे। इसी दौरान उन्होंने उनका हालचाल जाना और आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि सूबे के मुखिया ने उनसे वादा किया था कि वो जल्दी उनके बेटे की सकुशल रिहाई सुनिश्चित करेंगे, लेकिन इस बात को वर्षों बीत जाने के बाद भी उनके बेटे की रिहाई न हो सकी। ऐसे में उन्हें सरकार की कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। श्रीमती गीता देवी ने बताया कि वो और उनका बेटा आनंद मोहन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने पौ पैदल घूम घूमकर उनके लिए वोट मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार की नीयत बदल गई, जिस कारण अभी तक उनके बेटे की रिहाई नहीं हो सकी है। पूर्व सांसद की मां ने सरकार से आनंद मोहन के अविलंब रिहाई की मांग की है। सहरसा से इंद्रदेव की रिपोर्ट। आनंद मोहन के हम यहाँ पर लेकिन तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। घर पर जाकर नहीं गया, कचरा पसार कर 12 बजे राति के दर्द के लिए नालंदा में बीच मांगी तो बना कर हमें की रही प्राथमिकार का हमें की चलो अभी आनंद भी एकरा लेल बहुत कुछ खेलते आनंद मोहन भी खेलते हम तो करबे के लिए माँ माँ करे हम माँ तो की शादी में गाँव भी आए थे, वादा किए थे कि उनकी रिहाई सुनिश्चित होगी। हाँ वादा किया था, शादी में जाए हमारा वादा कलक हमका हम आप रिहा करेबे। हमारा छोट भाई छी, हमरा भाई समान समझे छी, हम सब किछु करबै ओकरा लिए। की मांग करै छी? मांग करै छी हमरा बेटा के रिहा करै। काल्हि 14 साल पूरि गेलै यऽ, ओकरा लेल की सोचैया की करैया से हमरा करै ओकरा करनाइ छै, हमरा वादा करै छै। हाल में कोरोना से उबर भेलिए, ओकर बाद की मांग करै छियै? कोरोना से उबर भेलिए तऽ हम बेटे के लेल ना मांग करबै।